मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के टांगरा गांव में अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां ढोल बाजे एवं पारंपरिक कर्मा नृत्य से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनंदन एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने बहुत आत्मीय स्वागत किया है। ये अभिनंदन वास्तव में आप सभी का है। आप सभी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण सरकार बनी है। मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संतोष खांडेकर जी, श्री नंदगोपाल प्रधान जी, रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हंसमणि चौहान जी, आंगनबाड़ी सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष हंसमणि चौहान जी, रसोईया संघ के दूसरे होंगे, रामराज कश्यप जी रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामराज कश्यप जी, वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामाधार लहरे जी, रसोईया संघ के जिलाध्यक्ष हीराचंद यादव जी, सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश यादव जी, चारों संघ के सभी पदाधिकारीगण और ये अभिनंदन समारोह प्रदेश स्तर का है, तो पूरे प्रदेश से दूर दूर से आए हमारे चारों संघ के भाई और बहनों, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज का एक कार्यक्रम हमारे चारों संघ के तरफ से है और हम लोगों का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। और आज सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी भी हैं, लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज भी हैं। और जैसा अमर भाई साहब ने कहा कि ये जो स्वागत आप लोगों ने किया हम लोगों का यहां पर माल्यार्पण के द्वारा, नृत्य के द्वारा, इधर कितने हमारे नृत्य की टीमें हैं, डंडा नाच है, सुहा नाच है, हमारे बाजा वाले हैं, इधर नागपुरी गाना, बहुत आत्मे आप सब लोगों ने स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये अभिनंदन वास्तव में आप लोगों का है। चुनाव के समय आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे बगिया निवास में आए थे और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आप लोगों ने जीता कर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए अभिनंदन आप सभी लोगों का है। हमारे जशपुर जिले में भी तीनों सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे यादव जी, जिनका उद्बोधन शुरू में हो रहा था, उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में पूरा कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गया, पूरा साफ हो गया, 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ। तो वास्तव में आप सभी लोग सम्मान और अभिनंदन के हकदार हैं।
और आप सब लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं, आप लोगों के बीच के हम लोग आदमी हैं। और जैसा गोमती साहब बता रही थी कि जो भी ये पद जिसमें आप लोग कार्यरत हैं, ये सब जब 15 साल हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये शुरुआत है। और बीच में 5 साल वादा के बाद भी पिछली सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई, जबकि उनके जन घोषणा पत्र में जो 36 वादा का जन घोषणा पत्र था उसमें आप लोगों के लिए भी वादा था, लेकिन पिछली सरकार वादा खिलाफी की, 36 वादा में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको 35 सीट पर लाके बैठा दी। आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे और जो अच्छा से अच्छा होगा आप लोगों के लिए सब करेंगे।